दोस्तों, हिट एंड रन दुर्घटना से जुड़े नए कानून में सख्त सजा के प्रावधान से आक्रोशित ड्राइवरों और सरकार के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार ने भरोसा दिया कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा, जब भी यह लागू होगा उससे पहले सरकार ट्रांसपोर्टरों से चर्चा करेगी। देर शाम हुए इस फैसले से पहले ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते पूरे देश, खासतौर पर पश्चिम और उत्तर भारत में हाहाकार मच गई। दूसरे दिन भी चक्का जाम होने से देश भर में पेट्रोल और डीजल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई। टैंकरों का चक्का जाम होने से देश भर के लगभग 2000 पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने हड़ताल की आशंका में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर पहले ही टैंक भर दिए थे। इसके बावजूद हड़ताल लंबी खिंचने की आशंका के चलते बड़ी संख्या में वाहन पेट्रोल पंपों पर इकट्ठा होने लगे और देखते देखते ही पेट्रोल पंप खाली हो गए। कई पेट्रोल पंपों पर झड़पें भी देखने को मिली है। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बैठक में कहा कि आप सिर्फ ड्राइवर नहीं, हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी असुविधा का सामना करना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माने के कानून को फिलहाल रोक दिया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अगली बैठक होने तक कोई कानून लागू नहीं होगा। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से उत्तर प्रदेश में दवाइयों, सब्जियों, डीजल, पेट्रोल सहित उपयोगी वस्तुओं की सप्लाई बाधित हुई है। प्रदेश में करीब 1800 करोड़ रुपए का कारोबार ठप हुआ। एक चौथाई पेट्रोल पंप खाली हो गए। दूसरे दिन रोडवेज की 41% बसों का संचालन हो पाया। हड़ताल से अब तक रोडवेज को 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हड़ताल से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश और पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति लड़खड़ा गई। देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की ढुलाई से 1,00,000 ट्रक और टैंकर जुड़े हैं। हालांकि पेट्रोल पंपों पर 2-3 दिन का स्टॉक रहता है, लेकिन ईंधन खत्म होने की आशंका में पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश में तो कई जगह पेट्रोल पंपों ने तेल खत्म होने का बोर्ड लगा दिया। चंडीगढ़ में दोपहिया वाहनों को अधिकतम 2 लीटर और 4 पहिया वाहनों को 5 लीटर ईंधन दिया जा रहा है था। दूसरी ओर राजस्थान के खेकड़ी जिले में हड़ताल के दौरान हिंसा भड़क गई। दोस्तों, ड्राइवरों का हड़ताल करना नया हिट एंड रन कानून है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने जा रहे भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या 7,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस कानून से देश भर के ड्राइवर नाराज हैं। पहले इस तरह के मामले में कुछ दिन में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल गई थी और 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। इसीलिए दोस्तों, अब जो है ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर बैठे और उन्होंने मांग की कि इस नए कानून में संशोधन किया जाए, इसको वापस लिया जाए। दोस्तों, राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए कि भाई आपके हिसाब से कानून में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।